अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम लोग JIT सर्जरी के लेक्चर्स पढ़े थे और उसमें से जो है वो हम ईसोफेगस पढ़े थे, ठीक है। और ईसोफेगस के अंदर भी अब हम लास्ट पोर्शन पे आ गए हैं, दैट इज़ बेसिकली ईसोफेजियल कार्सिनोमा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका, ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है, ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ हैं, ईसोफेजेक्टमी हम करते हैं या जो भी डिफरेंट तरह की सर्जरीज करनी है वो आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं इसको। सो ईसोफेगस के बारे में वो कह रहा है कि वर्ल्ड के अंदर तकरीबन ये 6th मोस्ट कॉमन ट्यूमर है जो पाया जाता है और पेशेंट की डेथ कॉज करता है। 6th मोस्ट कॉमन कैंसर है ये वर्ल्ड के अंदर, और हम लोग ओवरऑल कहते हैं कि ये नोटोरियस सा है। अब इस कैंसर को नोटोरियस क्यों कहा जाता है? एक तो ये स्प्रेड जो है वो बहुत जल्दी करता है, ठीक है, और दूसरा 75% तक जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, मतलब जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है, वो वाली स्टेज पास हो चुकी होती है। पेशेंट जो है वो एडवांस स्टेज पे पहुंच चुका होता है, और एडवांस स्टेज पे आपको पता है कि हम पैलेटिव ट्रीटमेंट करते हैं, यानी सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, पेशेंट ने ठीक तो होना नहीं है। ओनली 25% पेशेंट जो हैं वो उस स्टेज के ऊपर आते हैं जहाँ पे डेफिनेटिव क्योर पॉसिबल है, ठीक है। बाकी मोस्टली के अंदर ये क्योर वाली स्टेज जो है वो प्रेजेंट ही नहीं होती, इसलिए हम इसको नोटोरियस ट्यूमर कहते हैं। एंड देन अगर हम ट्यूमर्स की टाइप्स देखेंगे तो दो तरह के ट्यूमर होते हैं, प्राइमरी जो डायरेक्टली ईसोफेगस में से स्टार्ट हुए, और सेकेंडरी वो जो कि मेट्स करके आए। तो 85% वो कह रहा है या अप टू 80% जो ट्यूमर्स होते हैं वो प्राइमरी ही हैं, यानी डायरेक्टली वो आपके ईसोफेगस में ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है। एंड हिस्टोलॉजिकली हम देखेंगे, और ये जो 80% हैं प्राइमरी ट्यूमर में से 80% फर्दर आगे मैलिग्नेंट भी होते हैं। अब हिस्टोलॉजी के लिए इनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, लेकिन जो दो मेन हैं जो कॉमनली पाई जाती है या नोन है, वो एक है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा और दूसरा है एडीनो कार्सिनोमा, ठीक है। सो एक हमारे पास क्या है, एडीनो कार्सिनोमा, एंड नंबर टू इज स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। अब चूंकि दोनों के अंदर बहुत सारे बायोलॉजिकल एंड एपिडेमियोलॉजिकल डिफरेंस है, इसलिए दोनों को हम अलग अलग देखेंगे और आपने भी अलग अलग इनको याद रखना है। सो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा प्राइमरली ट्यूमर है जो कि बेसिकली आपको बताया ईसोफेगस के तीन पोर्शन होते हैं ना, सर्वाइकल पोर्शन, देन एब्डोमिनल पोर्शन एंड थ्रेसिक एंड एब्डोमिनल पोर्शन। तो ये मिडल थर्ड के अंदर, यानी मिडल थर्ड का मतलब ये है कि ये बीच वाला जो थ्रेसिक पोर्शन है वहाँ पर राइज होता है, जबकि हम एडीनो कार्सिनोमा को देखेंगे तो ये स्टार्ट होता है लोअर थर्ड में से, ठीक है। ओवरऑल ज़्यादा जो कॉमन है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है, लेकिन जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का इंसिडेंस है ना वो स्टेबल है, जबकि पिछली दो दहाइयों में इसका जो इंसिडेंस है वो बढ़ता जा रहा है। तो अब अगर हम पेशेंट देखेंगे तो मोस्टली जो पेशेंट है वो एडीनो का पेशेंट है, क्योंकि लास्ट टू डिकेज से क्या हो रहा है, इसका इंसिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यूजली बैरेट ईसोफेगस में से ही ये अराइज होता है, और आप लोगों को अब याद हो तो बैरेट ईसोफेगस किसको कहते हैं, जब स्क्वैमोकोलमनर जंक्शन पे मेटाप्लेजिया हुआ हुआ होता है, स्क्वैमोकोलमनर जंक्शन जो है वो डिस्प्लेज हुई हुई होती है, जैसे बहुत क्रॉनिक गर्ड रहे, गैस्ट्राइटिस रहे, तो वहाँ बैरेट ईसोफेगस बनता है और बैरेट से आगे कार्सिनोमास बनते हैं। सो बैरेट ईसोफेगस वाली जगह पे दोनों कार्सिनोमास अराइज होते हैं। उसके अलावा अगर हम दोनों के अंदर देखेंगे तो जियोग्राफिकल वेरिएशन जो पाई गई वो बड़ी वास्ट है, और यहाँ पे उसने कुछ एरियाज़ का जो है वो रेशियो दे दी कि अगर हम चाइना में देखेंगे तो 21 per lakh लोगों के अंदर जो है वो ईसोफेजियल कार्सिनोमा मिला चाइना में। इसी तरह हम साउथ अमेरिका में देखेंगे तो वहाँ पे तकरीबन जो है हर 13 into lakh, मतलब हर लाख में से 13 लोगों को ये कैंसर था। साउथ अफ्रीका में देखेंगे तो हर 10 बंदों को पर लाख जो है वो ये कैंसर था, और डेवलप कंट्रीज़ में रेट इवन इससे भी ज़्यादा हायर है, ठीक है। तो ये इसकी ग्राफिकल वेरिएशन जो है वो अच्छी खासी पाई जाती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसके कॉजेस डिस्कस करें तो थोड़े से कॉजेस जो हैं वो दोनों हिस्टोलॉजिकल टाइप्स के अंदर वेरिएशन पाई जाती है। सो अगर हम देखें कि ईसोफेजियल कार्सिनोमा के क्या कॉजेस हैं, सो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा एंड एडीनो कार्सिनोमा। सो जो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा है उसमें वो कहता है कि मोस्टली अगर एक पेशेंट को लॉन्ग स्टैंडिंग गर्ड रहा है या बैरेट्स रहा है तो बैरेट्स में से ईजिली ये रेज हो जाता है। उसके बाद गर्ड के लिए कौन से फैक्टर हैं, जाहिर है ओबेसिटी है, तो ओबेसिटी फिर जाहिर है कैंसर को भी कॉरेस्पॉन्ड करेगी। देन वो वाले पेशेंट ना जिनकी जो है वो हाई फैट इनटेक है, यानी फैट जो है वो ज़्यादा ले रहे हैं, या हाई अल्कोहलिक इनटेक
एक है, और इसी तरह जो स्मोकर हैं उनके अंदर क्या है, स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा का रिस्क ज़्यादा है। सो फैट है, ओबेसिटी है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, गर्ड है और बैरेट है। एडीनोकार्सिनोमा अगर हम देखेंगे तो सेम स्मोकिंग और अल्कोहलिक पेशेंट के अंदर रिस्क ज़रा ज़्यादा होता है, स्पेशली वो जो नाइट्रोजामीन कंटेनिंग डाइट लेते हैं या जिनकी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा जिंक वगैरह पाया जाता है, वाइटमिन ए, वाइटमिन सी एंड जिंक कंटेनिंग डाइट और नाइट्रोजामीन कंटेनिंग डाइट के अंदर ज़्यादा होता है। अगर वहाँ पे स्ट्रक्चर है तो स्ट्रक्चर में से एडीनोकार्सिनोमा ज़्यादातर अराइज हो जाता है। लॉन्ग स्टैंडिंग पेशेंट जो है, अगर उसको एक लेजिया है तो भी ये अराइज हो सकता है। सीलियक डिजीज़ के साथ भी ये कैंसर एसोसिएटेड होता है, और एक कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं टाइलोसिस। टाइलोसिस बेसिकली एक ऑटोसोमल डोमिनेंट हेरिडिटरी डिजीज़ है, और इसमें आपको क्या मिलता है, हाइपर केराटोसिस हुई होती है पाम एंड सोल्स की, ठीक है। सो इसमें क्या मिलती है आपको, हाइपर केराटोसिस मिलती है पाम एंड सोल्स की। तो इस कंडीशन में भी रिस्क होता है कि हो जाए, और साथ में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के साथ भी ये कैंसर एसोसिएटेड है। तो हमने कहा हमने कहा कि क्या जो है वो रिस्क फैक्टर हो सकते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एडीनो कार्सिनोमा एंड एडीनो कार्सिनोमा एंड फॉर स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। तो आसान से फैक्टर्स हैं वो तो आपने देख लिए। अब बात करते हैं कि अगर पेशेंट आता है ईसोफेजियल कैंसर का, तो उसकी क्लिनिकल प्रेजेंटेशन किस तरह से है, वो हमारे पास कैसे आएगा। वही गिनी चुनी कंप्लेन है, ज़ाहिर ईसोफेगस में मसला है तो पेशेंट को डिसफेजिया हो रहा होगा, यानी खाना निगलने में मसला होगा, उसको रिट्रोस्टर्नल डिसकम्फर्ट का सामना होगा, ठीक है। सो रिट्रोस्टर्नल डिसकम्फर्ट की एक हिस्ट्री होगी। समटाइम ये है कि ये जो ट्यूमर है, जब ये जाहिर है इसकी एक्सटेंशन होती है और ये इन्वॉल्व कर लेता है ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री को, ठीक है। तो जब ये ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री को इन्वॉल्व कर लेता है तो फिर उसके रिलेटेड सिम्टम्स होते हैं, यानी पेशेंट को वही स्ट्राइडर हो सकता है और कफ का सामना जो है वो हो सकता है, चोकिंग हो सकती है यानी खाना उसको फंसता ज़्यादा है, और उसके अलावा पेशेंट को क्या भी हो सकता है, नमूनिया भी हो सकता है, ठीक है, और एस्पिरेशन भी, एस्पिरेशन की वजह से नमूनिया भी हो सकता है। साथ ही आपको बताया कि यहाँ ऊपर जो है वो लैरिंग्स है और रिकरेंट लरेंजियल वगैरह नर्व्स भी हैं। सो अगर रिकरेंट लरेंजियल नर्व इन्वॉल्व होगी तो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस जो है वो हो रही होगी। ये कब होगी, जब रिकरेंट लरेंजियल नर्व तक ट्यूमर जो है वो एक्सटेंड कर जाएगा। साथ में ज़ाहिर है ट्यूमर जब होता है आपकी बॉडी में, कैंसर होता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जिसमें वेट लॉस होगा, मैल एब्जॉर्प्शन उसकी वजह से, अनीमिया है, वीकनेस है, और सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी भी होगी अगर ट्यूमर एडवांस स्टेजेस में है। तो क्या है, डिस्कम्फर्ट है, डिस्फेजिया है, एक्सटेंशन से रेस्पिरेटरी सिम्टम्स हैं, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस है, कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम वेट लॉस, एनीमिया, एनोरेक्सिया एंड सर्वाइकल लिम्फेडिनोपैथी होगी। अब बात आती है कि हम इसको इन्वेस्टिगेट किस तरह से करेंगे। सो इन्वेस्टिगेशन के लिए जो मेन या गोल्ड स्टैंडर्ड या जो सबसे बेहतर है, जो हेल्प करती है, वो तो जाहिर है एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी पे ही हमारी जो डायग्नोसिस है वो बन जाती है। इसके बाद जितनी भी हमने इन्वेस्टिगेशंस करनी है वो इसलिए करनी है ताकि हम डिजीज़ का एक्सटेंट और स्टेज जान सकें। इसके अलावा हम क्या करते हैं, उसके अलावा हम सीटी स्कैन जो है वो करते हैं, किसका करते हैं, चेस्ट का, एब्डोमिन का, पेल्विस का, ताकि मेट्स वगैरह को देख सकें। फिर हम एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड करते हैं, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड से भी हम पेरिटोनियल डिजीजेस या पेरिटोनियल मेट्स देखने की कोशिश करते हैं। फिर साथ में हमने ब्रोंकोस्कोपी करनी है, ब्रोंकोस्कोपी का मकसद एयरवेज और उसके अंदर एक्सटेंशन देखना है। देन लेप्रोस्कोपी है, लेप्रोस्कोपी भी इसीलिए की जाती है पेरिटोनियम को देखने के लिए, और लास्टली हम पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी भी कर सकते हैं, यानी पेट भी कर सकते हैं, ठीक है। सो एंडोस्कोपी हो सकती है, सीटी है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, ब्रोंकोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एंड पेट स्कैन जो है वो किया जा सकता है। अब यहाँ उसने एक्सप्लेन जो किया हुआ थोड़ा थोड़ा मैं बता देती हूँ, वैसे दोबारा से यही बताया हुआ है कि एंडोस्कोपी जो है वो मेन इन्वेस्टिगेशन है जिससे डायग्नोसिस बनती है। तो इसके बारे में ये भी लिखता है कि एंडोस्कोपी हमारी क्या है, फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन जो है वो एंडोस्कोपी है। एंडोस्कोपी से हमें ज़ाहिर है क्या होता है, विजुअलाइजेशन होती है, हम डायरेक्टली जो है वो विजुअलाइज करके देख लेते हैं कि ट्यूमर है या नहीं है, और एक्यूरेट डायग्नोसिस के लिए उसका हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमन भी लिया जा सकता है। अब मोस्टली वो कह रहा है कि इसी से आपकी जो डायग्नोसिस है ना वो इस्टेब्लिश हो जाती है। तो डायग्नोसिस इस्टेब्लिश होने के बाद बाकी जितनी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशंस हैं वो इसलिए की जाती हैं ताकि आप डिजीज़ का एक्सटेंट और डिजीज़ की ज़ाहिर है स्टेजिंग और मेटास्टेसिस देख सको, ठीक है। एक्यूरेट स्टेजिंग के लिए हम करते हैं क्या, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा कि हम क्या करते हैं, सीटी स्कैन, सीटी ऑफ द एब्डोमेन एंड सीटी
ऑफ द पेल्विस हम करते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि ट्यूमर जो है उसकी कितनी इन्वेजन है इन टू द सराउंडिंग एंड एडजेसेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये हमें डाइजिमिनेटेड डिजीज़, यानी अगर डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल गया है तो डाइजिमिनेटेड डिजीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन देगा कि इफ़ डिजीज़ जो है वो लंग्स तक चला गया है, लिवर में है या फिर पेरिटोनियम में इंटर हो गया। मोस्ट कॉमन साइट आपने याद रखनी है जहाँ पर डिजीज़ पहले स्प्रेड करता है, मेट्स जाते हैं वो लंग्स होती हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर हमारे पास थर्ड चीज़ हम क्या करेंगे, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी। सो ये जो एंडोस्कोपिक अल्ट्रासोनोग्राफी है इसमें बेसिकली किया क्या जाता है, इसमें ना एक अल्ट्रासाउंड प्रोब जो है उसको एंडोस्कोप की टिप के साथ, यानी फॉर एग्जांपल ये एंडोस्कोप है तो एक अल्ट्रासाउंड प्रोब जो है वो हम एंडोस्कोप के साथ अटैच करते हैं और इसके थ्रू बेसिकली हम ये देखते हैं कि ट्यूमर ने वॉल्स को कितना पेनिट्रेट किया हुआ है, सही है। सो T1 है, T2 है, T3 है, T4 है, यानी कितनी पेनिट्रेशन है, अप टू 2 सेंटीमीटर है, 2 to 5 सेंटीमीटर कितनी पेनिट्रेशन है ना थ्रेटिकल, ठीक है। साथ में हम ये भी देखते हैं कि लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट है या नहीं है, तो ये हमने इससे देखनी होती है। हमें रिजेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है अगर वो T3 या T4 तक चला गया या उसने एडजेसेंट स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर लिया या लिम्फ नोड में, क्योंकि रिजेक्शन तब तक ही इफेक्टिव है जब तक डिजीज़ अभी इसोफेगस में है, तो इसोफेगस को रिजेक्ट कर दूंगी। लेकिन ज़ाहिर अगर वो फैल चुका है तो फिर तो ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड हमें एक तो कितनी पेनिट्रेशन हुई भी है एडजेसेंट ऑर्गन में वो, और लिम्फ नोड का क्या स्टेटस है वो फाइंड करने में हेल्प करता है, और फिर इसी के ऊपर हमारा जो फ्यूचर ट्रीटमेंट प्लान है वो भी इसी के ऊपर बेस्ड करता है, ठीक है। साथ में और हमने क्या करनी है, साथ हमने और ब्रोंकोस्कोपी करनी है। ये जो ब्रोंकोस्कोपी हम करते हैं इससे हमें क्या पता चलता है, एयर वे की इन्वॉल्वमेंट, चूँकि एयर वे की इन्वॉल्वमेंट है, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्री इन्वॉल्व है जो कि एडवांस स्टेजेस में हो जाता है, तो वो हम इसकी मदद से देख रहे होते हैं, ठीक है। साथ में बेटे लेप्रोस्कोपी की जा सकती है, लेप्रोस्कोपी की जाती है फॉर द डिटेक्शन ऑफ पेरिटोनियल डिजीज़, के वो पेरिटोनियम में तो नहीं इंटर हो गया, सही है। और लास्ट जो है वो हम क्या करते हैं, पेट स्कैन करते हैं। अब ये पेट स्कैन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग सुन लें तो बड़ी अच्छी बात है। सो पेट स्कैनिंग जो है वो कहते हैं रिलाय करती है आपके जो कैंसरस सेल्स हैं ना, उन कैंसरस सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे। किस पे रिलाय करता है, कैंसरस सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। अब इस पेट स्कैन में होता क्या, इसमें हम क्या करते हैं कि पेशेंट को एक फार्मास्यूटिकल एजेंट दे देते हैं जिसको कहते हैं 18-फ्लोरो डीऑक्सीग्लाइकरेज या ग्लूकरेज, ये इसको चेक कर लेना, ठीक है। 18-फ्लोरो डीऑक्सीग्लूकरेज फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब जब ये पेशेंट जो है वो इस ये पेशेंट की बॉडी के अंदर जाता है तो ये जाके ना सेल्स में इंटर हो जाता है, सही है। अब जब ये सेल्स के अंदर इंटर होता है तो इसके ऊपर फौरन फॉस्फोरिलेशन हो जाती है। जब ये फॉस्फोरिलेशन हो जाती है तो अब ये ना तो बाहर जा सकता है, ना अंदर फर्दर डाइजेस्ट होगा, ना एब्जॉर्ब होगा, कुछ भी नहीं, ना डिग्रेड होगा, मेटाबलाइज नहीं होगा। ये इसी फॉर्म में पड़ा रहेगा और ये यहाँ पर क्या रिलीज करना शुरू कर देगा, गैमा रेज इमिट करेगा, और इन गैमा रेज को फिर डिटेक्ट किया जाता है, ये गैमा रेज करेगा जिनको पिक किया जाएगा गैमा कैमरा की मदद से, और हमें पता चल जाएगा कि सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी कितनी है। जो कि ज़्यादा मेटाबॉलिक एक्टिविटी हुई तो उनके अंदर ज़्यादा रिटेन होगा, इसकी जो रिटेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है। सो अगर सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव हुआ बहुत ज़्यादा तो इसकी फॉस्फोरिलेशन हो जाएगी और फिर ये मेटाबोलाइज नहीं होगा और वहाँ पे ही रहेगा, ये पोलर मॉलिक्यूल बन जाता है। सो ये पेट स्कैन जो है उसका बेसिक मेन एम होता है। सो यहाँ तक हमने समझा कि अगर एक पेशेंट जो है उसको इसोफेजियल कैंसर है तो वो इसोफेजियल कैंसर जो है वो नोटोरियस कैंसर है, वो दो तरह का हो सकता है, दोनों के डिफरेंसेस डिस्कस किए, ये मिडल थर्ड को इन्वॉल्व करता है, ये लोअर थर्ड को करता है, ये ज़्यादा कॉमन है, ये लेस कॉमन है, लेकिन इसका इंसिडेंस स्टेबल है और इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। दोनों की एटियोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्कस कर लिए और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन डिस्कस की गई पेशेंट डिस्फेजिया डिसकम्फर्ट एंड देन रेस्पिरेटरी सिम्टम्स के साथ, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जैसे कि वेट लॉस है, एनीमिया है और साथ में लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट के साथ या लिम्फेडिनोपैथी के साथ आ सकता है। हमने जो है वो इन्वेस्टिगेशन एंडोस्कोपी फर्स्ट लाइन इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन जाहिर है डिजीज़ के एक्सटेंट मजीद देखने के लिए हम सीटी है, एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड है, ब्रोंकोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी या पेट स्कैन जो है वो कर सकते हैं। अब आती है स्टेजिंग ऑफ द डिजीज़। अच्छा, अब हमारे पास आ जाती है इसकी स्टेजिंग।